ये जो वीडियो है दोस्तों आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए जो है नई एप्लीकेशन लेकर के आ चुका हूँ। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है, इसका नाम है दोस्तों टास्क बक्स, और इस एप्लीकेशन का जो है लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं पर आपको रेफर कोड भी मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को मैं जो है फाइनली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का जो लिंक, इसका जो इंटरफेस है, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, कुछ एप्लीकेशन है जो है डाउनलोड करने पड़ते हैं, और कुछ यहाँ पर आपको जो है सर्वे भी मिल जाता है, जैसे कि क्विज वगैरह खेलने के लिए। तो आप यहाँ पे जो है क्विज खेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। और मेरे वॉलेट में आप देख सकते हो कि अभी मेरा जो है 30 रुपया अभी बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अभी जो है अपडेट हो गया बैलेंस 30 रुपये का, और यहाँ से मैं इसे जो है क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद उससे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है गेम वगैरह खेलने के लिए भी आपको पैसे दिए जाते हैं, जैसे कि प्ले नाउ पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन में गेम खेल कर भी अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर स्क्रॉल करोगे ऊपर की ओर, तो यहाँ पर आपको जो है इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि इंस्टॉल करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है यहाँ से ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नीचे की ओर रिडीम लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है होम का ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर, उसके बाद आपको जो है विन का ऑप्शन मिल जाएगा। विन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट चलता रहता है, जो कि यहाँ पर आपको जो है कुछ सवालों के जवाब दे करके भी अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इन्वाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इन्वाइट वाले सेक्शन पर अगर क्लिक करोगे तो इस एप्लीकेशन को आप जहाँ शेयर करना चाहते हो वहाँ पर इसे शेयर करके भी अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेशन जो है वर्क करता है दोस्तों, और आपको जो है वर्क करना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है पहले पेटीएम कैश देती थी, लेकिन अब जो है पेटीएम कैश नहीं देती है, अब ये एप्लीकेशन जो है आपको रिचार्ज देती है। तो यहाँ पे आपको जो है अब पैसे निकालने की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो है अपने वॉलेट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। वॉलेट वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो है पेटीएम का ऑप्शन हट गया है। यहाँ पे सिर्फ आप जो है रिचार्ज लगा सकते हो, मतलब कि अपने जियो का या कोई भी और एप्लीकेशन जो है, मतलब ये सिम जो है रिचार्ज कर सकते हो। तो अब आपको गेट फ्री रिचार्ज पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी मतलब कि आपका जो है नंबर है वो आपको यहाँ से रिचार्ज करना होगा, जैसे कि एयरटेल हो गया, जो भी आपका जियो नंबर से रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपना जो भी सिम है वो डालना है, उसके बाद आपका जो भी सराइकल है जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो आपका डाल देना है, और यहाँ पर अमाउंट डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप जो है आसानी से रिचार्ज कर पाओगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन वर्क करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, बैलेंस भी आपको दिखा दिया। और इस एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल एंड अर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद कॉन्टेस्ट का, उसके बाद आपको जो है एक्सप्लोर एंड विन का ऑप्शन मिलेगा, इनवाइट फ्रेंड का, उसके बाद प्रोफाइल का, फीडबैक का, और आपको जो है कुछ क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन जो है वर्क करता है, जो कि सारा चीज़ बता दिया। मैंने इस एप्लीकेशन पहले भी ट्रांजेक्शन लगाया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ट्रांजेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, और ट्रांजेक्शन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं 10 10 10 10 का मैंने जो है यहाँ पे रिडीम पहले भी लगा चुका हूँ, और ये जो एप्लीकेशन है मुझे पैसे भी दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।